वेलकम बैक क्लास प्लस वन। बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट कन्वर्जन्स। ये कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जिनको नोट कर लो। पहले वाला है वन फर्मी विच इज आल्सो वन फेमटोमीटर। मैंने आपको उस लिस्ट में एंड में बोला था कि फेमटोमीटर भी इम्पोर्टेंट है। फेमटोमीटर मीन्स 10^-15 मीटर्स। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस। इस साइज से शुरू होते हैं, सबसे छोटा न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली इस साइज का होता है। सेकेंड वन इज वन एंगस्ट्रॉम, इसका नाम है एंगस्ट्रॉम। ओके, वन ए के ऊपर ऐसे डिग्री वाला साइन, वन एंगस्ट्रॉम विच इज 10^-10 मीटर्स। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस साइज से शुरू होता है साइज ऑफ एटम। अप्रोक्सीमेटली इस ऑर्डर के होते हैं साइज ऑफ एटम, 10^-10 मीटर्स। नेक्स्ट वन इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इसकी वैल्यू है 1.496 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10^11। ये इंपॉर्टेंट है, सन और अर्थ के बीच में इतना डिस्टेंस है। वन लाइट ईयर 9.46 × 10^15 मीटर्स। This is distance traveled by light in one year. One parsec, this is its value. This is even larger than one light year. One calorie, approximately 4.2 joules. Exactly, better value है 4.184 joules. One horsepower is equal to 746 watt. These are few values, जिनको notebook में note कर लो। आगे आगे ये इनकी जैसे जैसे यूज करते जाओगे इनको याद होती जाएंगी। कुछ भी नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो बच्चे। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या देख लिया है कि यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड, फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं जिनको हमने उन यूनिट्स में मेजर करना है, और उनमें से उनकी डायमेंशंस क्या है, कैसे कैसे उनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे हम नहीं कर सकते। तो हमने देखे हैं यूनिट्स एंड उनकी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट भी देख ली है। अभी तक हमने क्या चीज़ नहीं कंसिडर की है कि उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते टाइम मिस्टेक भी हो जाती है। Now that part is called error in measurement। जितना किसी physical quantity को measure करना important है, उतना ही important है कि हमें ये भी पता हो कि अगर उसमें error हो जाए तो उस error का हमने क्या करना है। Okay, error is the amount of uncertainty in a measured में दो चीजें, measured के बाद calculated भी हो सकता है। Suppose करो मैंने area निकालना है, area के लिए पहले मैंने निकाली length, फिर मैंने निकाली breadth, उनको आपस में कर दिया multiply। अब measure तो मैंने किया है length और breadth, but calculate end में किया है area, तो दोनों में मिस्टेक। अगर मेरी लेंथ और ब्रेथ में मिस्टेक है तो ऑब्वियसली एरिया में भी मिस्टेक होगा। दैट इज कॉल्ड एरर। द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन ए मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इसके दो मेन कैटेगरीज हैं, दो अलग अलग टाइप की एरर्स हैं। फर्स्ट वन इज दो कैटेगरीज में ये फॉल करती हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर दोनों चीजों में, दोनों टाइप के, इसमें भी बहुत सारी टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रैंडम एरर होता है। बट इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, सिस्टमैटिक एरर को पहले समझते हैं। किसी भी फैक्टर की वजह से, सपोज करो कोई एक ही टाइप की मिस्टेक हो रही है, एक ही टाइप की,
हर बार पॉजिटिव 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 मिस्टेक, या फिर हर बार नेगेटिव 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 मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स आर यूनिडायरेक्शनल एरर्स, यूनिडायरेक्शनल एरर्स। इसका मतलब क्या है? आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, और ऑलवेज नेगेटिव। जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आर, फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। किसी इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है, वो हर बार किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक करती जा रही है, किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक। ओके, जैसे कि बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है उसमें जीरो एरर, हर बार वो पांच वैल्यू एक्स्ट्रा करके, जब जीरो होना चाहिए था तब पांच शो करती है, जब पांच होना चाहिए था तब 10 शो करती है, जब 10 होना चाहिए था तब 15 शो करती है। दैट इज ऑल द अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर, कॉन्स्टेंट एरर, कॉन्स्टेंट एरर। ये एक इंस्ट्रूमेंट का पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर है, या फिर जीरो एरर, या फिर जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंट में और भी बहुत सारी टाइप की मिस्टेक्स एरर्स हो सकती हैं, बट इंस्ट्रूमेंट से जो मिस जो एरर हो रही है, अगर वो हमेशा पर्टिकुलर ही टाइप की मिस्टेक एरर आ रही है, 2 की जगह 2.1, 3 की जगह 3.1, 4 की जगह 4.1, तो वो एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। या तो वो हमेशा ज़्यादा दिखाएगा या तो हमेशा कम दिखाएगा। दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। अगली चीज समझो, पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक होना चाहिए, पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक। जैसे कि सपोज करो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल चेक करना है। आप लोगों को याद होगा, एक होती है पानी की लोअर मेनिस्कस, एक होती है अपर मेनिस्कस। हमने चेक करनी है लोअर मेनिस्कस, और मैं हर बार गलती से, मुझे पता ही नहीं है, मैं हर बार अपर मेनिस्कस देख के उसकी रीडिंग टेबल में भरता जा रहा हूँ। तो ये टाइप की मिस्टेक हो गई है, पर्सनल एरर, बट ये सिस्टमेटिक है। मैं हर बार एक ही टाइप की मिस्टेक कर रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर की जगह 31, 20 की जगह 21, 15 की जगह 16, हर बार एक ही पर्टिकुलर टाइप की एरर कर रहा हूँ। दैट इज वाई इट इज सिस्टमेटिक एरर। ओके, पर्सनल एरर का अगर एक ही डायरेक्शन है देन इट इज सिस्टमेटिक। पर्सनल एरर रैंडम में भी हो सकती हैं, पर्सनल एरर कुछ और भी हो सकती हैं, वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। लेट्स सी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर, सपोज करो मैं एक स्केल से कपड़ा नापता हूँ, कपड़े की लेंथ मेजर करता हूँ। अगर सर्दियों में वो आयरन की जो मीटर स्केल है मेरी छोटी हो जाती है, तो हर हर बार कोल्ड टेम्परेचर पे सेम ही टाइप की एरर करेगी वो हर बार। और अगर वो अगर एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि गर्मी टेम्परेचर बढ़ गया गर्मी की वजह से, तो वो जिस टाइप का एरर कर रहा है हर बार सेम ही टाइप का एरर कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले एक मीटर में एक मीटर से ज़्यादा शो कर दिया, दूसरे एक मीटर में एक मीटर से कम शो कर दिया, अपनी मर्जी से एरर नहीं करता वो पर्टिकुलरली लॉज को फॉलो करता हुआ, उस स्टील की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर टाइप की ही एरर हर बार कर रहा है। दैट इज वाई इट इज सिस्टमेटिक एरर। ओके, रैंडम एरर्स को समझते हैं। सपोज करो मैं एक पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूँ, पेंडुलम का। ओके, जो वैल्यू आती है मैं उसको मेजर करने में
हर बार कुछ ना कुछ अजीब ही टाइप का एरर देख रहा हूँ। कभी देखता हूँ 2.1, कभी देखता हूँ 1.99, कभी देखता हूँ 2.02, कभी देखता हूँ 1.89, मतलब 2 के आसपास रह रही है वैल्यू, बट कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। क्या रीजन है मुझे पता नहीं चल रहा है, बट इट इज नॉट सिस्टमेटिक, और इट इज अदर वर्ड टू से इट इज इट इज इरेगुलर। इरेगुलर इज अ बेटर वर्ड। इरेगुलर एरर, इरेगुलर एरर मतलब कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। रैंडम एरर के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रीजंस हैं रैंडम एरर आने के। सपोज करो एक वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। अब वो वायर ही ऐसी है, कहीं से पतली है कहीं से मोटी, कहीं से पतली है कहीं से मोटी, तो कौन सा एरिया लूं मैं, यहाँ का एरिया या यहाँ का एरिया या यहाँ का। अलग अलग लेंथ पे जाके अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है। अब मेजर तो मैंने करनी है रेजिस्टेंस, मुझे रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है, एरिया निकालने में कौन सा एरिया यूज करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। तो कोई भी जो मैं कोई भी एरिया अगर मैं यूज करता हूँ तो वो जो एरर आएगा दैट विल बी रैंडम एरर। ओके, और कैसे, और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट इसमें एक पर्टिकुलर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कभी पॉजिटिव एरर आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी इधर एरर कभी उधर एरर। अगर मैं इस और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स, एक आधा फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए कभी इधर जा रहा है एरर, कभी इधर जा रहा है। जैसे कि किसी सेंसिटिव डिवाइस, कोई ऐसी सेंसिटिव डिवाइस है जो प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से इफेक्टेड होती है, और उस दिन का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार बार चेंज हो रहा है, या फिर लेट्स से टेम्परेचर, टेम्परेचर बार बार चेंज होता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वैल्यू कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, और उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। Those type of errors are coming under random error. कभी positive, कभी negative. Now, अगर हमें ये definition समझ में आ गई है, then let's try to understand कि ये इनको classify करना जरूरी क्यों था इस type की error में, और इस type की error में major अगर मैं इसको इस टाइप के एरर को सही करने निकलूं या फिर इस टाइप के एरर को सही करने की कोशिश करूं तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। दिस टाइप ऑफ एरर्स systematic errors can be eliminated by suitable measures। काफी हद तक 100% नहीं तो काफी हद तक ये eliminate हो सकते हैं if we know the cause और उसके according हमें suitable measures लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे के पर्सनल एरर हो रहा है मुझसे हर बार पर्सनल एरर, अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूं आई कैन टेक केयर ऑफ पर्सनल एरर। अगर मुझे पता चल जाए, अगर सपोज करो एक बैट्समैन, उसको पता चल गया कि वो इस पर्टिकुलर बॉल पे इस पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक कर रहा है, तब उस एरर को एलिमिनेट करना बहुत ही इजी है। अगर पता ही नहीं है कि कैसे खेल रहा है, ऐसे ही कुछ भी तुक्के मार रहा है, तब उस बैट्समैन के बैटिंग इम्प्रूव करना डिफिकल्ट है। बट अगर एक सिस्टमेटिक वे में एरर कर रहा है तो उस सिस्टमेटिक एरर को, पर्सनल एरर को रिमूव करना बहुत ही ईजी हो जाता है, आइडेंटिफाई करना ही डिफिकल्ट है।
अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो वो इजीली रिमूव हो जाती है. नेक्स्ट, वी कैन कंट्रोल एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं भी हम कंट्रोल कर सकते, एटलीस्ट वी कैन इम्प्रूव टेक्निक. सपोज करो जो मैं मेथड कर रहा हूँ, जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, उससे भी बेटर कुछ और स्टेप्स हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ. वी कैन चूज बेटर टेक्निक ऑफ दैट मेजरमेंट. नेक्स्ट, उन्हीं टाइप की एरर्स पे वापस जाते हैं और उन टाइप की एरर्स को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो हम क्या कर सकते हैं, बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, यूज बेटर इंस्ट्रूमेंट. अगर मेरा गैल्वेनोमीटर मुझे लग रहा है कि गड़बड़ कर रहा है तो मैं गैल्वेनोमीटर ही चेंज कर दूंगा. ऑलराइट, टेक्निक बेटर कर सकता हूँ, पर्सनल एरर को इम्प्रूव कर सकता हूँ. एंड द लास्ट वन वॉज अगर मुझे पता चल गया कि वो जीरो एरर ऐसा शो कर रहा है, हर बार फाइव ज्यादा शो कर रहा है, हर बार फाइव ज्यादा शो कर रहा है, और मेरे पास और इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, मैं इंस्ट्रूमेंट को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको रिपेयर भी नहीं कर सकता, तो मैं एटलीस्ट ये कर सकता हूँ ना कि उसके अकॉर्डिंग एंड में टेबल में करेक्शन करता जाऊँ. 25 अगर मुझे पता है कि वो हर बार 5 ज़्यादा दिखा रहा है तो मैं 5 कम भरता जाऊँ टेबल में. ओके, सो आई कैन एस्टिमेट द एरर एंड यूज करेक्शंस ड्यूरिंग filling in table during calculation. Okay, yeah, छोड़ देता हूँ यहाँ पे. I can estimate the error and use correction. उसके according मैं उसकी correction कर सकता हूँ. Now this is only possible for systematic error. Random error का कोई तुक ही नहीं बन रहा है, कोई उसका पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड से रीजन है. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एलिमिनेट रैंडम एरर्स. वी कैन नॉट एलिमिनेट रैंडम एरर्स. तो हम इसका कर क्या सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते इन टाइप ऑफ एरर्स को. बट एक चीज जरूर है रैंडम एरर्स में, कभी ये पॉजिटिव होते हैं, कभी ये नेगेटिव होते हैं, तो हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, 50 ऑब्जर्वेशंस ले ली, रफली उनमें 25-30 में पॉजिटिव एरर हुआ होगा, 25-30 में नेगेटिव एरर हुआ होगा, तो सबकी जब मैं एवरेज लूंगा तो एरर बहुत ही कम आएगा रीडिंग में. सो इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज्ड. इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स. By taking several readings, random error को हम eliminate तो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसका कारण जो है वो बहुत complicated है random error का. But it can be minimized by taking several readings. Positive error will be cancelled out by ओके, ये सिर्फ समझने के लिए, या फिर अपना रफ में नोट कर लेना इसको कि ये मिनिमाइज कैसे हो सकता है. कभी कभार एरर पॉजिटिव आ रहा है, कभी कभार एरर नेगेटिव आ रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके एरर कैन बी मिनिमाइज. रिमेंबर, इट कैन बी मिनिमाइज, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. ये एलिमिनेट हो सकता है बट पर्टिकुलर कंडीशन में. पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, इफ वी आर एबल टू
इफ वी कैन आइडेंटिफाई इट्स कॉज, इफ वी कैन आइडेंटिफाई इट्स कॉज, ओके। अदरवाइज सिस्टमेटिक एरर करेंगे नहीं ना, सिस्टमेटिक एरर हो रहा है हमसे, सिस्टमेटिक एरर हो रहा है, हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, जो हम जो रिजल्ट आ रहा है वो हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब कुछ सिस्टमेटिक एरर है। हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उसके रीजन को। इफ वी कैन आइडेंटिफाई इट्स कॉज देन वी कैन एलिमिनेट इट। बट यहाँ पे इसका जो कॉज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, दैट इज वाई इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। ओके, इनके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं एरर्स में, लेट्स सी दोज डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को समझते हैं, हिंदी में बोले तो बेवकूफियां, जो भी बेवकूफियां करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के दौरान, दोज आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स, ब्लंडर्स। ओके, ऑल द ब्लंडर्स, सिली मिस्टेक्स। एग्जाम्पल देता हूँ इसका, एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आएगा। सपोज करो 52 वॉज रीडिंग, वॉज द रीडिंग, और मैंने नोट क्या किया 25, 52 की जगह 25 कर दिया, मतलब इस रीजन, इसमें सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा एक्सपेरिमेंट सही कर रहा हूं, बस नोट करते टाइम 52 की जगह 25 लिख दिया, तो इसका कोई इलाज नहीं है, मुझे बस केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, कोई और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, मैंने करना था कैलकुलेशन के टाइम मल्टीप्लाई, आई डिड वी डिवाइडेड। ओके, इंस्टेड ऑफ प्लस, लेट्स से इंस्टेड ऑफ प्लस वी डिवाइडेड, करना कुछ और था, कर कुछ और दे, सारा एक्सपेरिमेंट सही करके एंड में कैलकुलेशन के टाइम मिस्टेक कर दी, इस टाइप की बेवकूफियों को कहते हैं ग्रॉस एरर। सपोज करो मैंने रीडिंग लेनी थी ऑफ गैल्वेनोमीटर, या फिर रीडिंग लेनी थी अक्रॉस रेजिस्टर वन, मैंने ले ली अक्रॉस वी टू फॉर ऑफ रेजिस्टर टू, आर वन रेजिस्टर, आर टू रेजिस्टर, इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं दीज आर कॉल्ड ब्लंडर्स, ग्रॉस एरर्स। ओके, ऑल द सिली मिस्टेक्स, ना तो वो सिस्टमेटिक हैं और ना ही वो रेंडम है, ऐसा नहीं है कि इस बार मैंने पॉजिटिव मिस्टेक, पॉजिटिव ब्लंडर किया है तो अगली बार नेगेटिव ब्लंडर करूंगा, ना तो वो रेंडम है ना ही वो सिस्टमेटिक है। दिस कैन हैपन एनीवेयर। ओके, मैंने कनेक्ट करना था गैल्वेनोमीटर को, मैंने कनेक्ट कर दिए एमीटर, या फिर मैंने बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे लगा दिए, या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेनी थी इधर से, मैंने रीडिंग ले ली दूसरी एंड से, बहुत टाइप के ब्लंडर्स हो सकते हैं, ऑल दोज ब्लंडर्स आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स। इसकी डेफिनेशन खुद से बना के लिख लेना, बट आई थिंक दिस वर्ड इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ग्रॉस एरर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीस्ट काउंट। बहुत ही इजी डेफिनेशन है और सारे स्टूडेंट्स को शायद पता भी होगा, मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि एक क्लॉक है,
उसमें मिनिमम रीडिंग हम ले सकते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड से कम वैल्यू वो मेजर ही नहीं करता, सिंपल जो घरों में क्लॉक होता है। ओके सपोज करो एक स्केल है, उसके ऊपर सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर, दीज आर सेंटीमीटर्स एंड दीज स्मॉलर मार्क्स आर मिलीमीटर्स। तो इसमें जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। तो हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, एमीटर कम से कम लेट से 0.1 एमीटर एम्पियर मेजर करता है, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 एम्पियर। सिमिलरली मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब लीस्ट काउंट की वजह से आता है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को। सपोज करो यहां पे एक वायर पड़ी है जिसकी लेंथ है ये, मैं इसको मेजर करना चाहता हूं। ओके मैंने स्केल रखा, अब शुरू तो वो जीरो से हो रहा है बट फिनिश इन दो लाइंस के बीच में हो गया, इन दो लाइंस के कहीं ये दो छोटी छोटी लाइंस हैं, शायद उतनी क्लियरली आपको नहीं दिख रहा होगा, बट लेट से ये जो एमएम के दो मार्क्स हैं उनके कहीं बीच में खत्म हो गई वो वायर। ओके दिस इज ए वायर जिसको मैं मेजर करना चाहता हूं, इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है 1 mm, बट जो जो मैं जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं जिस वायर को मैं मेजर कर रहा हूं वो mm वाले मार्क से थोड़ी सी आगे पहुंच गई। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, द एरर बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट इससे बेटर रीडिंग दे ही नहीं सकता, इसलिए सपोज करो सपोज लेंथ ऑफ वायर इज बिटवीन 1 point, ये है 1.7 सेंटीमीटर एंड 1.8 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर और 1.8 सेंटीमीटर के कहीं पे बीच में है। अब अगर मैं 1.7 लिखूंगा वो भी गलत होगा, 1.8 लिखूंगा वो भी गलत होगा, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 ऑब्वियसली सही है, पॉइंट के बाद जो नोट कर रहा हूं दैट इज डाउटफुल। 7 लिख रहा हूं तब भी वो डाउटफुल है, एग्जैक्टली 1.7 नहीं है, 1.8 लिख रहा हूं तब भी वो डाउटफुल है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 8 भी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। इसको ध्यान से कंपेयर करो, 1 mm इसका लीस्ट काउंट था विच मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, और एरर भी लास्ट वाले डिजिट में ही आ रहा है 7 और 8, 1.7 और 1.8। ओके तो वैल्यू इनमें से कुछ भी लिख सकता हूं बट आई हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज 0.1 सेंटीमीटर ऑफ एरर इन दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, जो भी मैं लिखूंगा उसमें 0.1 सेंटीमीटर जो लास्ट वाला है 1 point के बाद जो भी मैं लिखूंगा दैट इज डाउटफुल, डाउटफुल मीन्स देयर इज सम एरर। इज इट क्लियर? दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, कई बार क्या होता है रीडिंग के साथ एरर मेंशन की होती है, कई 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसमें प्लस या माइनस 1 mm की मिस्टेक हो सकती है। ओके या फिर इस शहर से लेके दिल्ली तक का रास्ता है 300 किलोमीटर,
बीच में 5 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 5 किलोमीटर का एरर है उस रीडिंग में, क्योंकि वो 300 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उसमें बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसे मेंशन होता है, जब भी हमने कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग बतानी है तो साथ में बताना पड़ता है कि इसकी लिमिट इतनी है। जैसे कि आप गूगल मैप पे किसी की लोकेशन सर्च करो तो साथ में मेंशन होता है एक्यूरेट अप टू 20 मीटर्स, एक्यूरेट अप टू 50 मीटर्स, मतलब उसकी जो लोकेशन बता रहा है उसमें 50 मीटर इधर उधर किसी भी साइड हो सकता है, या फिर एक्यूरेट अप टू 20 मीटर्स मतलब 20 मीटर्स इधर उधर एरर हो सकता है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द रीडिंग में बताया गया होता है कि इतना एरर हो सकता है, बट इफ लीस्ट काउंट इज मेंशनड, इफ लीस्ट काउंट इज मेंशनड एंड एरर इज नॉट मेंशनड, देन एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट। हमेशा ये नहीं होता, हमेशा ये नहीं है, बट सपोज करो किसी ने रीडिंग बता दी, किसी ने इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट भी बता दी और एरर नहीं बताई, उस केस में एरर कितना होगा? प्लस माइनस लीस्ट काउंट। एग्जांपल, लेंथ इज इक्वल टू 15.3 सेंटीमीटर्स, 15.3 सेंटीमीटर्स। तो इसमें क्या है, वन और फाइव में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है कि 15.3 इतनी इतनी डेसिमल में बता रहा है कि इसमें और इसमें हमें कोई डाउट है ही नहीं, डाउट हमें थ्री में है, क्योंकि हो सकता है वो 15.3 और 15.2 के बीच में हुई हो लेंथ, हो सकता है 15.3 और 15.4 के बीच में हुई हो लेंथ। तो एरर इसमें कितना हो सकता है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसका लीस्ट काउंट लास्ट वाला डिजिट है, यहां लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। सो हियर एरर इज इक्वल टू, प्लस में भी हो सकता है वो 15.2 वाली साइड भी हो सकता है, 15.4 वाली साइड भी हो सकता है, एरर इज प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अभी इसको खूब सारे क्वेश्चंस में करेंगे तो आगे आगे जाके बेटर क्लियर होता जाएगा। एक और एग्जांपल इसके साथ ही लिख देता हूं, दिस इज एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर टू इससे बहुत ही मिलता जुलता लिख देता हूं एग्जांपल, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाए। लेट्स से 15.37 सेंटीमीटर, ऐसे बोल दिया 15.37 सेंटीमीटर। अब उसने और भी ज्यादा डिटेल बताई है, मतलब इस पहले मुझे वन और फाइव में डाउट नहीं था, थ्री में डाउट था, अब क्या हो गया, मुझे वन और फाइव और थ्री इनमें कोई डाउट नहीं है, मुझे डाउट है लास्ट वाले में, सेवन में। अब इसका लीस्ट काउंट कितना है? पहले वो 0.1 की डिटेल तक ही जा रहा था, अब वो 0.01 की डिटेल तक जा रहा है, 0.01। सो इन दिस केस एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। दोनों रीडिंग्स में डिफरेंस देखो, इवन इफ दिस वाज लेट से 15.32, 15.32 सेंटीमीटर, इस चैप्टर से पहले 10th क्लास तक आप लोग क्या करते थे, इसको राउंड ऑफ करके ये लिख देते थे, बट इस रीडिंग में और इस रीडिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मुझे 3 की श्योरिटी है, 2 में मुझे लग रहा है डाउट थोड़ा सा, हो सकता है 15.31 और 32 के बीच में हुई हो ये लेंथ, हो सकता है 15.32 और 33 के बीच में ये लेंथ एंड में
अटक गई हो, तो यहाँ पे एरर कितना हो सकता है? 3.2 से 3.3 तक जा सकता है, विच मीन्स +0.01, 3.2 से 3.1 की तरफ जा सकता है, विच मीन्स -0.01। कुछ भी एरर हो सकता है, बट आई एम श्योर कि 3 में कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला ही हमेशा डाउटफुल होता है। दिस वन इज डाउटफुल, लास्ट वन, दिस वन इज डाउटफुल, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही एरर होती है। इफ लीस्ट काउंट इज मेंशन्ड, यहां से लीस्ट काउंट है 0.1, यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.01, एंड एरर इज नॉट मेंशन्ड, एरर मेंशन नहीं की कि कितने एरर है इसमें, इन दैट केस दीज आर सर्टेनली करेक्ट, लास्ट वन इज डाउटफुल। इन दैट केस एरर इज इक्वल टू जितना भी उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, एरर इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ द लीस्ट काउंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। I'm going to begin with example. Example. I'm trying to find the refractive index of glass. Refractive index of glass is measured, is calculated. Is observed or calculated, let's say readings are one point four eight, one point five zero, one point five two। लेट्स से मैंने तीन रीडिंग्स ली, ये रीडिंग्स आई 1.48, 1.50, 1.52। ओके, नाउ फर्स्ट इज ट्रू वैल्यू। एरर वाले पूरे कॉन्सेप्ट में एक डेफिनेशन आती है, सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच आई एम गोइंग टू राइट हियर, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ एरर्स, दीज आर एरर द डेफिनेशंस रिलेटेड टू एरर इन ए मेजरमेंट। जैसे कि ये मेजरमेंट मैंने की, उसमें ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू इज इक्वल इज रिटन एज द एरिथमेटिक मीन of all the values, the arithmetic mean of all the values, it means true value of refractive index is equal to 1.48 plus 1.50 plus 1.52 divided by 3। अब मैंने इजी सी वैल्यूज ली हैं, मुझे पता है इनका एवरेज यही निकलेगा 1.50। दिस इज इट्स ट्रू वैल्यू। The second definition is absolute, और absolute को बाद में देखते हैं। Let's see, second definition is error। Simply error, error क्या है? पहली रीडिंग में अब हमें पता चल गया है कि एक्चुअल वैल्यू ये है। हमारी तीन कैलकुलेशंस के बाद हमें पता चला है कि एवरेज वैल्यू ये आ रही है, इट मीन्स दिस इज करेक्ट। नाउ व्हाट इज एरर? तीनों में अलग अलग एरर होगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। एरर इज डिफरेंस इन दीज वैल्यूज। सो रीडिंग्स आर लेट्स से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। डिफरेंस इन वैल्यू अम
रीडिंग्स आर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का सिंबल में लेट्स लीव द सिंबल एंड सीधा सीधा एरर की वैल्यू भरते हैं। एरर इन फर्स्ट वैल्यू, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, एरर इन फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, या फिर एक्स यूज कर लेता हूँ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रीडिंग्स आर एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स मीन, मीन एक्स इज इक्वल टू 1.50। नाउ दिस इज द ट्रू वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग होंगे एरर्स। पहले वाले में एरर होगा डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स वन, रिमेंबर डेल्टा इज चेंज, हमने पहले भी देखा था डेल्टा मीन्स चेंज। इन दिस केस चेंज वी आर यूजिंग फॉर एरर, कितना चेंज आया, 1.50 शुड बी इट्स ट्रू वैल्यू, बट चेंज इज ऑफ डेल्टा एक्स वन इज एक्स वन माइनस मीन वैल्यू। ओके, कैसा एरर आया उसमें, माइनस 0.02 का नेगेटिव एरर आया है, नेगेटिव। ओके, लेट्स सी दूसरे वाले में कितना एरर आया है, एक्स टू माइनस मीन वैल्यू 1.50 था और उसकी वैल्यू भी 1.50 आई, तो कोई एरर नहीं आया। डेल्टा एक्स थ्री देखते हैं, एक्स थ्री माइनस मीन वैल्यू, तो उसमें कैसा एरर आया है, पॉजिटिव एरर 0.02, विच मीन्स पॉजिटिव एरर आया है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। आई हैड टू फाइंड रीडिंग्स ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रीडिंग्स आर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तीनों का मैंने क्या किया, एरिथमेटिक मीन किया, I got mean value and that I am assuming to be true value. Now I am going to find error in all of these, delta x1, delta x2, delta x3, पहले में कितना error, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, पहले में negative error आया, दूसरे में कोई error नहीं आया, तीसरे में positive error आया। Now next definition is called, next term which we are using, that is called absolute error. एब्सोल्यूट एरर, अब ये भी सारी टर्म्स में अलग अलग होता है, बट इन दिस केस इन इन एब्सोल्यूट एरर द वैल्यू, द मॉडुलस, वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ एरर, द मॉडुलस ऑफ एरर डेल्टा एक्स वन का मॉड, which means I am not interested to know if the error was positive or negative. I just want to know its value. चाहे वो negative है, चाहे वो positive है, सबको मैंने positive बना देना है. Okay? Now this was the value of error, the modulus of error or value of error. Positive or negative are just telling direction of error, कि वो error true value से इस तरफ हुआ या इस तरफ हुआ. एरर से पता चल जाएगा, बट एब्सोल्यूट एरर में वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। नाउ वी कैन ओनली नो द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ एरर, मॉडुलस, व्हिच मींस नाउ आई डू नॉट नो व्हिच एरर वाज पॉजिटिव, व्हिच एरर वाज नेगेटिव। यहां तक नोट कर लो, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट टर्म। Fourth term which we use is mean absolute error. Now there is only one mean absolute error. सब में जितनी जितनी error हुई सबका mean delta x1 modulus का plus delta x2 modulus का
प्लस डेल्टा एक्स टू मॉडुलस का प्लस सबका सम विच इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 3 0.01 समथिंग। आगे वाले टर्म्स को मैंने निगलेक्ट कर दिया है अंटिल हियर। क्यों निगलेक्ट किया है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट डेफिनेशन इज विच वी यूज इज नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव एरर। Now, we know that x mean was true value. Okay. We know that x mean was true value. हमारे पास जो तीन values थे उनका average लिया तो हमारे पास average value आ गई। सारे errors का average लिया तो हमारे पास delta x average आ गया। डेल्टा एक्स मीन इज दिस वन डेल्टा एक्स एवरेज या डेल्टा एक्स मीन दैट इज मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर। हमें एवरेज वैल्यू भी पता चल गई एवरेज वैल्यू और एवरेज एरर भी पता चल गया। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एवरेज डिवाइडेड बाय एक्स एवरेज। एवरेज की जगह मीन भी लिखा हो सकता है मीन और एवरेज। ओके हमें एक्स एवरेज भी पता चल गई। इन दिस केस एवरेज एरर इज 0.01 एंड एवरेज वैल्यू वॉज 1.50। मतलब कि हमने जो कैलकुलेशंस की तीन रीडिंग्स ली उनमें रिलेटिवली ओवरऑल एरर कितना हमने किया है दैट इज 1 by 150। दिस इज वेरी लेस एरर 1 by 150। अगेन रिमेंबर तीन रीडिंग्स ली तीनों का एवरेज लिया वी गॉट एक्स एवरेज। ओके फिर हमने एक्स एवरेज की कंपैरिजन से तीनों में एरर देखा कि 1.50 की कंपैरिजन में इसमें नेगेटिव एरर है इसमें जीरो एरर है इसमें पॉजिटिव एरर है। फिर हमने उन सब का नेगेटिव पॉजिटिव हटा के सिर्फ उनकी वैल्यूज ली दैट वाज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का एवरेज इज मीन एब्सोल्यूट एरर। उसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज इज रिलेटिव एरर। Now, next term which we use is percentage error. Percentage error is equal to relative error. ये जो fractional error, इसका नाम fractional error भी होता है. Fractional error, okay? Relative error multiplied by 100, which is delta x average divided by x average into 100. That is equal to 1 by 150 into 100, which is equal to 2 by 3%. 2 by 3%। मैं यहाँ से देख के बता देता है एरर इज वेरी लेस 2 by 3% विच इज इवन लेस देन 1%। 1% से भी कम का एरर दिया है हमने इस एक्सपेरिमेंट में। ओके आई गिव यू अनदर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन इन डीपीपी एंड ट्राई टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज विच आई हैव सॉल्व फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके फाइंड एवरेज वैल्यू एंड ऑल दीज वैल्यूज until you find percentage error in that experiment. That is all for today's lecture. In next lecture we will see how what other things we can calculate about errors.
थैंक यू एवरीबॉडी।